ट्यूमर एनी वेयर इन द बॉडी मीन्स ग्रोथ और अ टिश्यू मास एंड इट प्रोड्यूसेस सिम्टम्स डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी. और ब्रेन के अंदर अगर ये ग्रोथ प्रेजेंट होती है तो उस हिसाब से जिस एरिया में ब्रेन के ये ग्रोथ होती है उसके सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है. अगर मान लीजिए आँखों के विजन ऑप्टिक नर्व्स के एरिया में ये ट्यूमर है तो फिर विजन के सिम्टम्स पैदा करता है. अगर हाथ पैर चलाने के एरिया में ये ट्यूमर या ग्रोथ है तो पेशेंट कैन प्रेजेंट विद पैरालिसिस सिम्टम्स. जनरली ब्रेन ट्यूमर्स या तो बेनाइन होते हैं या मेलिग्नेंट होते हैं. और मेलिग्नेंट यानी कि बोले तो कैंसर, जैसे कि आम भाषा में बोला जाता है, तो ये कैंसरस ट्यूमर्स भी ब्रेन में पाए जाते हैं. तो अगर ये कैंसरस ट्यूमर होता है तो इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, जैसा कि नाम इसका कैंसर है, और इसके सिम्टम्स भी बहुत जल्दी आते हैं इसके बेनाइन ट्यूमर्स के वनस्पत. इसका मतलब ये है कि कैंसरस ट्यूमर्स दे आर डिटेक्टेड अर्ली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द पेशेंट. और काफ़ी ट्यूमर्स बेनाइन भी होते हैं, और बेनाइन ट्यूमर्स मैंने जैसे पहले बताया वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं उनकी लोकेशन के अनुसार. और ये सिम्टम्स देने से पहले काफ़ी लंबे समय का पीरियड होता है और जिससे पहले कि ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करें पेशेंट्स में. ब्रेन ट्यूमर आजकल ये देखा गया है कि सारी जितनी भी बीमारियां हैं सारी जेनेटिकली लिंक्ड हैं. तो तरह तरह की रिसर्चेज हो रही हैं दुनिया में, और उसमें आज तक की जितनी रिसर्चेज हैं उसमें ये देखा गया है कि हर एक ब्रेन ट्यूमर एक जीन से लिंक्ड होता है. कई तरह के ब्रेन ट्यूमर्स हैं उसमें जेनेटिक एसोसिएशंस हैं. तो अगर ये बोलें कि हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ट्यूमर, तो शायद मैं ये बोलूँगा कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे जेनेटिक कोड में लिखा हुआ है कि ये जीन है या जीन मिसिंग है तो ये ट्यूमर हो सकता है. बट हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक रोल प्ले करता है हमारा एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल. तो हम अपने लाइफस्टाइल में कैसे रहते हैं, क्या चीज़ें खाते हैं और किस तरह से अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हैं, काफ़ी कुछ उस बात पर भी डिपेंड करता है कि ट्यूमर बने या ना बने. कई तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स के, और उसमें बात करें तो आजकल काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स और टेक्निकल एडवांसमेंट्स हो गए हैं जिसमें कि दवाएं आती हैं. तो ये दवाएं कई तरह के ब्रेन ट्यूमर्स की ग्रोथ को रोक देती हैं. उसके अलावा मॉलिकुलर थेरेपीज़ आ गई हैं, जेनेटिक थेरेपीज़ आ गई हैं. खैर वो तो रिसर्च स्टेजेस पे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले दशक या दो दशक में हमारे पास कारगर ट्रीटमेंट होंगे इन ट्यूमर्स के दवाइयों के ज़रिए, जेनेटिक मॉलिकुलर थेरेपीज़ के ज़रिए. और तब तक हमारे पास सर्जरी काफ़ी कारगर एक इलाज होता है जिससे कि हम ऑपरेशन करके उस ट्यूमर को निकाल देते हैं जिससे कि उसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं. इसके अलावा रेडिएशन है और कीमोथेरेपी है, जैसे मैंने बताया. रेडिएशन भी ऑपरेशन के बाद काफ़ी कारगर रोल प्ले करता है ट्यूमर की रोकथाम के लिए और ट्यूमर को दोबारा आने से रोकने के लिए.